सूदी कार फाइनेंसिंग और इस्लामी इजारा कार फाइनेंसिंग में क्या फर्क है बाज़ लोग ये समझते हैं कि इस्लामी बैंकों के कार इजारा और सूदी कार फाइनेंसिंग का मामला बिल्कुल एक जैसा है हकीकतन ऐसा बिल्कुल नहीं है ये दोनों मामला अपने तरीके कार और नौयत के लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं इजारा क्या है इजारा के मानी है किरायादारी इस्लामी बैंक कार इजारा के मुहिदे में कस्टमर को किराएदारी की बुनियाद पर गाड़ी फराहम करता है आइए अब सूदी बैंक और इस्लामी बैंक की कार फाइनेंसिंग के फर्क को समझते हैं नंबर एक कॉन्ट्रैक्ट पहला फर्क कॉन्ट्रैक्ट का है कन्वेंशनल बैंक सूद की बुनियाद पर गाड़ी लीज पर देता है जो कई शरा खराबियों आरोप मुश्तमिल होने की वजह ऐसी जायज नहीं है जबकि इस्लामी बैंक इजारा की बुनियाद आरोप गाड़ी खरीद कर कस्टमर को कराये आरोप देता है नंबर दो रिस्क ऑफ लॉस नुकसान की जिम्मेदारी सूदी बैंक की रकम से ली गई गाड़ी को अगर कोई एक्सीडेंट या कुदरती तौर पर कोई नुकसान पहुंचता है तो कस्टमर इसका जिम्मेदार होता है और इसको बैंक की इंस्टॉलमेंट हर महीने वैसे ही भरनी पड़ती है जबकि इस्लामी कार इजारा में गाड़ी का नुकसान मालिक यानी बैंक के जिम्मे होता है और अगर गाड़ी इस्तेमाल के काबिल ना रहे तो कस्टमर को किराया नहीं देना पड़ता नंबर तीन इंस्टॉलमेंट या रेंट सूदी लीजिंग के तहत चाहे गाड़ी इस्तेमाल के लिए दस्तियाब हो या ना हो कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने और कस्टमर को नकद रकम की फरा के वक्त से ही इंस्टॉलमेंट काबिल अदायगी हो जाती है जबकि इस्लामी बैंक के साथ इजारा के माहे में कराया उस वक्त काबिल अदायगी होता है जब गाड़ी इस्तेमाल के लिए दस्तियाब हो शरीयत उस वक्त तक किराया वसूल करने की इजाजत नहीं देती जब तक असासा यानी गाड़ी कस्टमर के हवाले नहीं की जाए नंबर चार लेट फी पेनल्टी इंस्टॉलमेंट वक्त पर जमा ना कराने की सूरत में सूदी बैंक लेट फी पेनल्टी चार्ज करता है जो कि बैंक के मुनाफे का हिस्सा होती है जबकि इस्लामी बैंक में लेट फी पेनल्टी नहीं होती बल्कि चैरिटी ली जाती है ताकि कस्टमर वक्त पर कराए की अदायगी का पाबंद रहे और अगर किसी वजह से वक्त पर अदायगी ना हो तो इस्लामी बैंक बतौर एजेंट के ये चैरिटी मुस्तहक लोगों की मदद के लिए खर्च करता है ये चैरिटी की रकम इस्लामिक बैंक की इनकम का हर गिज हिस्सा नहीं बनती नंबर पांच एडवांस रेंट या सिक्योरिटी इस्लामी बैंक कार इजारा के लिए कस्टमर से एडवांस रेंट तलब करता है जो हर महीने कुछ फीसद के हिसाब से महाना रेंट की मद में एडजस्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत मुकम्मल होने तक पूरा हो जाता है नंबर छह कंप्लीशन ऑफ टेन्योर इस्लामी बैंक में किराएदारी की मुद्दत का तयन जरूरी है और कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत मुकम्मल होने पर एक नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत इस्लामी बैंक वही गाड़ी कस्टमर को गिफ्ट कर देता है एक और अहम बात यह है कि इन सारे मामला की निगरानी इस्लामी बैंक का शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड भी करता है जो मुस्तनद मुफ्ती हजरा पर मुश्तमिल है और इस बात की तस्दीक है कि हर काम शरीयत के उसूलों के मुताबिक है मीजान बैंक द प्रीमियर इस्लामिक बैंक